हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो लास्ट के 2 दिनों में हम अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारे एग्जाम डे के लिए वो बहुत इफेक्टिव हो, तो आप क्या कर सकते हो लास्ट के 2-3 दिनों में? अपना जीए का रिविजन कर लो, जितना भी आपने पढ़ा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, है ना। ज़्यादा नया पढ़ने की अब कोशिश मत करो क्योंकि याद पूरा कर नहीं पाओगे। पुराना यदि रिवाइज अच्छे से कर लोगे तो वो वहाँ पे आपको ड्यूरिंग एग्जाम याद आ जाएगा, है ना। एक 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वो कंपाइल्ड पीडीएफ है। दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, पिछले 3-4 महीने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहे हैं या बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हैं, वो उसमें सारे कवर्ड हैं। वो 500 क्वेश्चंस की रीडिंग कर लो, तो यदि आपने पहले से ये चीज़ें पढ़ी हैं तो उनका रिविजन आपका उसमें हो जाएगा, और 2-3 बार उसकी रीडिंग आप एग्जाम से पहले कर लो तो उससे अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में पिन मैं कर दूंगा, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मॉक्स को आप अपने यूटिलाइज करो कैसे, कि अब वो 19 को पेपर होने के बाद वो मॉक आपके किसी काम के रहेंगे नहीं, है ना, तो उनको वेस्ट मत करो। उनको यूटिलाइज इस तरीके से करो कि जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो भी आपसे अच्छे से बनता है, उसको ज़्यादा टाइम देकर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में उसको बनाने की कोशिश करो। और मॉक अब प्रैक्टिस पर्पज से दो, ये मत सोचो कि यार जीए में कम स्कोर हो रहा है या ओवरऑल मेरा उसकी वजह से स्कोर कम हो रहा है, ये मत सोचो। स्कोर देखो कि 75 आउट ऑफ आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, 75 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इनमें से आपका कितना अटेम्प्ट हो रहा है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। यही वहाँ पे आप अच्छे से बना पाओगे, है ना, क्योंकि जीए में तो उतना ही कर पाओगे जितना आपसे बनेगा आएगा, तो का उसमें लगाएंगे नहीं। स्टैटिक को स्किप करना पड़ेगा यदि कोई क्वेश्चन नहीं अपने से बनता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अभी लास्ट के 2-3 दिनों में कर सकते हो, तो अपनी स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो कि आप 75 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ और इंग्लिश में विद एक्यूरेसी क्वेश्चंस बना पाओ, है ना, तो ये आपका स्कोर अच्छा होगा और बाकी के जो 2-3 दिन बचे हैं इसमें आपका इफेक्टिवली टाइम यूज़ भी होगा, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स हैं लास्ट के दिनों के लिए, आप फॉलो करो और पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर से कर लेना, आपको रिविजन में काम देगी। मैं भी उससे रिवाइज करने वाला हूँ लास्ट मोमेंट पर, ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे एक ही जगह पर मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।